बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मत कोसो मजबूरी और हालातों को, हर हाल में बदलना सीखो। हे एवरीवन, श्री राधे राधे, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डिजिटल प्लस सिटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई, DPSSET का भी इंग्लिश का भी सिलेबस आ गया है, सो आप सभी ने देख भी लिया होगा। और चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, DPSSET, PSET कोई भी क्यों ना हो, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आप अपने सब्जेक्ट का सोच के ही देखें, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पे जो सिलेबस है वो मैं इंग्लिश का ही दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये लगता होगा कि आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू जैसे की थी, अब क्या करें, उसका क्या होगा, और अब हमें एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी ने, सबसे पहली बात ये है कि अगर अभी तक किसी ने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया, तो उसके लिए भी मौका है कि अभी से शुरू कर दें, ठीक है। किसी भी वजह से अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, फॉर्म फिल कर दिया था, तो कोई बात नहीं, अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके ही प्रिपरेशन करें। उससे पहले आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो देखो, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए सिलेबस को। जी हाँ, मैं बिल्कुल करूँगी, और मैं कल उसी पे ही काम ही कर रही थी, और फिर मैंने एक कॉमेंट भी देखा तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आज ही डाल देना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि टेंशन की कोई बात ही नहीं है, है ना। तो अपने मन से आप ये जो डर लग रहा है अगर आपको, तो उस डर को आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आपको सिलेबस दिया गया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सिलेबस है ये अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। तो प्लीज़, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी सिलेबस को आप ऑफिशियल सिलेबस मान के ना बैठ जाएं, ठीक है। फिर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और जब आप पेपर को देखोगे, तो फिर आप कहोगे कि नहीं, ये जो सिलेबस है ये तो वो है ही नहीं जो DPSSET ने हमें बताया था, है ना। मैंने कल या परसों की जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कहा भी था कि हमें इंडिकेट ही कर रहा है DPSSET, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो अभी जो इंग्लिश का जो सिलेबस आप ये देख रहे हो, ये एकदम इग्नू का ही बीए ऑनर्स का सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने दिल्ली में अगर आपने बीए की है, तो उसको तो पता है, और अगर नहीं की है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ये गूगल पे भी देखोगे तो आपको ये सिलेबस जो है ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रामर की भी कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी ग्रामर नहीं दिख रहा है ना। तो इंग्लिश में तो बीए हमने भी की है, चाहे आप किसी भी स्टेट से की हो, डजंट मैटर, ठीक है। जैसे कि मैंने की है, तो मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर ही था, ग्रामर उसमें नहीं थी, है ना, नहीं थी ना। तो फिर ग्रामर इसमें कैसे आ सकती है, क्योंकि ये तो बीए ऑनर्स का है ना। ये जो सिलेबस DPSSET में दिया है, ये हूबहू बीए ऑनर्स का है, तो वहाँ पे आपको ग्रामर नहीं दिख रही, ठीक है। लेकिन हमें ग्रामर पढ़ना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि TPSSET वाले के लिए या PSET के लिए ग्रामर पढ़ना ही नहीं, नहीं, ग्रामर पढ़ना है। आप ये मान सकते हो कि इस बार ऐसा हो सकता है कि 50% आपकी लिटरेचर आ जाए, 40% आपकी ग्रामर आ जाए, और बचे जो 10% है उसमें आपकी पेडागोजी दे दे, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन चाहे 40 ग्रामर आए, चाहे 50 लिटरेचर आए, चाहे इसका आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 ग्रामर आ जाए, 40 लिटरेचर आ जाए, उसमें भी कोई वो फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें हमारी जो प्रिपरेशन है वो उसी वे में ही करनी है जिस वे में हम करते आए हैं, यानी कि जो हमने PYQ देखे थे और उस वे में हम कर रहे हैं, तो बस उसी वे में करना है। बस प्लस पॉइंट ये है कि अभी जो जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, उस हिसाब से अपनी थोड़ी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आप बढ़ाएं, और ये जो सिलेबस जो दिया है इसमें से आप कुछ ना छोड़ें, बस इतने से ये प्लस पॉइंट हो सकता है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप प्लीज़ इसे ऑफिशियल सिलेबस मान के मत बैठ जाना। अभी के लिए इम्पोर्टेंट मैं ये बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर ध्यान से पढ़ना है,
अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है, और वर्ल्ड लिटरेचर में आपको अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है, और इंडियन लिटरेचर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो तीन चार जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये आपको ज़रूर से पढ़ना है, और ये जो सारा जो सिलेबस है ये आपको गूगल पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो आपको क्लासेस कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोई बुक लाना चाहते हैं तो आप वो बुक भी ला के पढ़ सकते हो, आपको जैसा इजी लगे आप उस तरह से पढ़ें। तो बस लास्ट पॉइंट में आपको ये बता रही हूँ कि जितना भी आपने सिलेबस कर लिया है उसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि आपने तो सब कुछ कर लिया और अब ये सिलेबस आ गया तो अब हम कैसे करें, है ना। तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अगर आपने अपने पर विश्वास रख लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आपको खुद पे ही विश्वास नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी सी सिंपल बात को अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए अब जो सिलेबस आए हैं ना इसमें अगर आप थ्योरी बेस पे अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कोई बात नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप थ्योरी बेस पे पढ़ने लग जाओगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ तो आप पढ़िए, बिल्कुल से पढ़िए, है ना। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि जो कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई शुरू की है तो अगर आपसे थ्योरी नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं बस वो सॉल्व कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, है ना। तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, और चाहे तो आप गूगल से कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब से कर लीजिए, चाहे आप बुक्स ले आए या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज जो है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और टेस्ट डिनर जरूर शुरू करें, और मेरे से भी कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि आपने टेस्ट डिनर शुरू कर दिया, हाँ जी मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जितना आपका 50% या 70% आपका सिलेबस हो जाता है उसके बाद में आप टेस्ट डिनर शुरू कर दो, ठीक है। और बस यही है कि इस सिलेबस को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, लास्ट में फिर से मैं यही कह रही हूँ, है ना। तो जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करिए, जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसमें से जो मैंने आपको 4-5 आपको जो पॉइंट बताए हैं आप उस पर ज़रूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश लिटरेचर तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी जो सिलेबस बताया था उसमें भी मैंने बताया था, और आज मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और अभी के लिए बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो झूठी अफवाहें आती हैं कि एक महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे या 2 महीने के अंदर होंगे, तो आप अभी के लिए उनसे दूर रहिए, क्योंकि देखिए 30 जून तक का जो है टाइम टेबल वो DEEPSS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 
करेंगे उसके बाद में धीरे धीरे सब आ जाएगा, लेकिन इतना आप देख सकते हो कि जून जुलाई ये जो 2 महीने हैं इसमें हमारा एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो जितना हो सकता है अपनी तैयारी को हम जून जुलाई में अच्छे से कर सकते हैं, और ये जो 2 महीने हैं ये हमारी प्रिपरेशन के लिए हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी या भूल से भी आप कुछ भी गलती मत करना, या फिर उसके बाद में आप ये मत करना कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो जितना हो सकता है 2 महीने के लिए आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद में हो सकता है अगस्त में अपने एग्ज़ाम हो जाए, और अगर सितंबर में होंगे तो और भी अच्छा है, हमें 3 महीने मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 महीने तो आप मान के चलो, ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो सिलेबस था ये अब आपको समझ में आ गया है, हालांकि इतना भी डरावना नहीं था, ठीक है। तो हाँ, मैंने इंग्लिश के लिए ही बताया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जिस भी सब्जेक्ट के आप हो तो उस हिसाब से ही आप देखना, इस सिलेबस को ही सब कुछ मान के मत बैठ जाना। ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ट्विटर पर भी हमें बताता है कि हम सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपको इसे गलत वे में नहीं ले जाना है, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस अगर होता तो उस पर नाम लिखा होता ये ऑफिशियल सिलेबस है ना। तो आप सब कुछ पढ़े, ग्रामर पढ़े, लिटरेचर पढ़े, पेडागोजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, और जिस तरीके से आपने पहले PYQ देख के अपनी पढ़ाई शुरू की थी बस उसी वे में करनी है, प्लस पॉइंट बस इसको और ऐड कर लेना है, ठीक है। सो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपके जो भी और भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी के सवालों के जवाब देने की। सो अगर आप में से किसी को चाहिए कि एक टाइम टेबल बना दिया जाए इस हिसाब से,
तो अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी, और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने पहले भी एक टाइम टेबल की वीडियो बनाई है, क्या दो भी बना दी होगी, पर एक तो है ही, ठीक है। और सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी फर्स्ट। बाय बाय।